जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा को लेकर ड्राई रन और मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। उधमपुर से पहले कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रा काफिले की ड्राई रन का इनेकाद किया गया। इंतजामिया ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रा के काफिले की कामयाबी के साथ ड्राई रन किया। ड्राई रन जम्मू से शुरू हुई और उधमपुर जिले में जगाती चेक नाके को कामयाबी के साथ अभूर किया। इसमें यात्रियों और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले की नकलो हरकत शामिल थी। इस काफिले के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और तबी टीमें भी थी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अहदेदारों ने ड्राई रन का मुशाहिदा किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रियों के काफिले के लिए वसे इंतजाम किए हैं। ड्राई रन कामयाब रहा और इससे यात्रियों और इंतजामिया का एतमाद बढ़ा है। तवक्को की जा रही है कि यात्रा का काफिला इस साल कौमी शाहरा पर आसानी से आगे बढ़ सकेगा। ड्राई रन एक बड़ी कामयाबी थी और इसने इस साल अमरनाथ यात्रा के काफिले के हमवार तरीके से चलने की राह हमवार की। यात्रियों को अब यकीन दिलाया जा सकता है कि वो यात्रा के दौरान मुकम्मल महफूज रहेंगे। सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह का कहना है कि इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा का कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में ननून यात्रा बेस कैंप में यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने JKTDC क्लब में सयाहती सन्नत ट्रेड और मुख्तलिफ अंजुमनों और अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ग्रीन और इको फ्रेंडली यात्रा को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को हर यात्रा को तमाम तरह की सहूलियात पहुंचाने के लिए मुतलकीन को अहम रोल अदा करने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। जहाँ तक आने वाली यात्रा का सवाल है तो यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स और हम सब लोग यात्रियों का खुले दिल के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट, पूरे लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से इस यात्रा को कामयाब तरीन बनाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर आपको बता दें कि 50RR के खिलाफ इश्तियाल अंगेज का बयान के मामले के ताल्लुक से यह खबर आपको इस वक्त बताई जा रही है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सामाजिक कारकुन भोज राजा शर्मा ने कराया मुकदमा दर्ज। जम्मू नवाबाद पुलिस स्टेशन में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बोध राजा शर्मा ने यह FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि 50RR के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई है। बोध राज शर्मा के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बोध राज शर्मा ने यह FIR दर्ज की है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सामाजिक कारकुन है बोध राज शर्मा। आपको बता दें कि जम्मू नवाबाद पुलिस स्टेशन में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें, वाकिफ करें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और यह FIR सामाजिक कारकुन बोध राज शर्मा ने दर्ज करी है। चूंकि महबूबा मुफ्ती ने 50RR के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया था और अब इसी के खिलाफ अब सामाजिक कारकुन बोधराज शर्मा ने यह मुकदमा दर्ज किया है।